सवाल ये कि इस वक्त एक इलेक्शन जिस पर अगेन हम तो रोज बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही इलेक्शन से निकलेगा क्या। रोज हम ये कहते हैं 70 अरब खर्च होगा, एंड में सिलेक्टेड सिलेक्टेड धांधली धांधली के नारे लगेंगे। रुपए की वाहिद पार्टी नजर आ रही है जिसके लिए सारा हमवार किया जा रहा है, उसके लीडरों को क्लियर किया जा रहा है, जिन्होंने जेल जाना है उसको इवन कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर टू दिस एक्सटेंट कि लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया, लोगों को वोट डालने से नहीं रोका गया, तो ये सारे रास्ते इनके जितने तरीकेकार के इसके बावजूद आवाम इनको शिकस्त देंगे। इनकी तैयारी भी नहीं है, इनके मैनिफेस्टो भी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इनकी क्रेडिबिलिटी। मैनिफेस्टो के मुल्क में क्या होता है, किसी का कोई ऐसा इलेक्शन आपने देखा हो जो 3 महीने पहले सियासी पार्टी को पता हमारी कितनी सीटें हैं, इससे बड़ी धांधली क्या धांधला क्या हो सकता है। आपके करो इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं देता क्या? इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए हमारे जो खदशात है जो 3 महीने पहले से मैं बिल्कुल ठीक है। अगर अगर इनसे इनसे पूछो तो ये पूरी टीम को नहीं लेने देते। सदाकत अब्बासी अगर कोई कहता है तो देखिए जिन बंदे को आप घर से उठाए और वहां से उठा के जाए उनकी फैन शफाफ और इंसाफ और ये जितने भी डायलॉग है ये बंद करे। डायलॉग बाजी तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, आप जाए सुप्रीम कोर्ट कहें कि सुप्रीम कोर्ट जाऊं डॉक्टर मारिया जो दुनिया में 139 नंबर पर है उस सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? आप मुझे बताओ किस असेंबली की क्या औकात है, मैं लफ्ज औकात इस्तेमाल करो, क्या हैसियत है असेंबली की? पहले तो डीले करते थे और अभी इनकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम जो है ना इलेक्शन न लड़ सके। गुजारिश सुने अगर ये ठीक है है, लेकिन आप बर्दाश्त भी करें बात को। बात ये है कि जिन लोगों ने जो है वो 9 मई के वाकयात किए आपने देखा कि जब उनको कैफरे किरदार तक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्रॉस द बोर्ड एक ही डेफिनेशन रखे ना, जब फारूक अभी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो वो तो धुल जाता है, मुराद रॉस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है धुल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले इलेक्शन में जिस तरह नून लीग को सपोर्ट की जा रही है इसमें सारे इदारे मुलविस हैं बशमूल इलेक्शन कमीशन। इस बार पीटीआई के बैरिस्टर गौर अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मनोखेल ने लाइव शो में नून लीग को बेनकाब कर दिया और कहा कि अब नवाज शरीफ लाडले को लॉन्च किया जा रहा है। पीटीआई के बैरिस्टर गौर अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मनोखेल ने मजीद क्या कहा, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। पहले जो पिछला दौर था 18 से 22 उसमें सिलेक्टेड सिलेक्टेड के नारे जो हैं वो आपको पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से सुनाई दिए। अब क्या आपको लगता है कि आप और पीपल्स पार्टी एक ही साइड पे होंगे और आप ये सिलेक्टेड के नारे लगा रहे होंगे, या ये नूरा कुश्ती सिर्फ जो है ये इलेक्शन से पहले किए और इलेक्शन के बाद ये सब एक स्टेज पे जो है वो नजर आएंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि बिलावल अपनी बात पे अगर सिर्फ स्टैंड ले ले और इसी बात पे कायम रहे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो जाए। समटाइम ये ऐसे ही करते हैं लेकिन एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखते हुए फिर शुरू कर देते हैं और बीच में से छोड़ देते हैं। देखिए इस वक्त के जो हालात है वो अगर आपने देखा है तो सिर्फ एक ही वाहिद पार्टी नजर आ रही है जिसके लिए सारा हमवार किया जा रहा है, उसके लीडरों को क्लियर किया जा रहा है, जिन्होंने जेल जाना है उसको इवन कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, उनके केसेस भी लग रहे हैं, खत्म भी हो रहे हैं, क्लियर भी हो रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो रही है। और ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक ही दिन में 30 और 40 बंदे भी पार्टी जोड़ करके एक नई पार्टी शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़े है कि एक पार्टी में सारे लोग काफी देखिए ये वाले। अब जहां तक ये कह रहे हैं कि 2018 की 2018 में कोई देखे 2018 और 2023 के हालात बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमें तो निकलने नहीं दिया जा रहा, कंपेन नहीं की जाने दी जा रही, हम तो इवन अपने प्राइवेट घरों में भी कंपेन नहीं कर सकते, कन्वेंशन नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। और ये तो ये अगर 2018 के कहते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पंजाब में हमारा और उनका थोड़ा सा ही मार्जिन था, अगर के हमारे पास फैसिलिटेट किया जाता तो हमारी हुकूमत भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ होती, तभी तो हमें अलायंसों का सहारा लेना पड़ा और सब लोग सब मिलाकर के हुकूमत बनानी पड़ी है। मेजॉरिटी में जरूर आए पर फिर भी हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिससे हुकूमत हम बना सके। तो क्लियर कट ये बात इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है ये किसी भी इलेक्शन की तरफ नहीं है। देखिए ये एक फिफ्थ जनरेशन की रिगिंग है मैं समझता हूँ, एंड दिस इज अ प्री पोल रिगिंग। आप अगर पॉलिटिकल कार्डर के जिस पॉलिटिकल पार्टी के 70% एडमिटेडली पॉपुलैरिटी हो अगर आप उसको पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे इलेक्शन में और इलेक्शन कमीशन उसके लिए इकदाम नहीं कर रही, हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया, मुलाकात कर ली, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई कि वी विल टेक एक्शन। अब उस एक्शन को और इसके बाद भी दरमियान में 21 दिन बीच में गुजर यस, लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मुद्दा है? आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। उसका तरीका क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप अंदर है, जो बाहर निकल आते हैं उन पे केसेस में बनाए जाते हैं। और कैसे लीडर आप देखें अली नवाज साहब को देखें, कब से उसको उठाया गया है, कहां से उठाया गया है, कोर्ट में गए हुए हैं, वहां रिपोर्ट नहीं आ रही, फिर आप उनको लोगों को चिले करवा रहे हो, चिले से बाहर आ रहे हैं। और अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब मानसहरा में कन्वेंशन करने गए वहां से उन्होंने सोपे भी उठा लिए, तो दिस इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस इज ऑल बीइंग डन फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी। सवाल ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन जिस पर अगेन हम तो रोज बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही सिलेक्शन से निकलेगा क्या, रोज हम ये कहते हैं 70 अरब खर्च होगा, एंड में सिलेक्टेड सिलेक्टेड धांधली धांधली के नारे लगेंगे, क्या वजह है कि आप लोग सारे बैठ के या पीपल्स पार्टी की पहल नहीं करती कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले या कोई मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट तो आजकल सेशन में नहीं है ना ही, आप सारे इस वक्त जो है वो केटेक का सेटअप है, तो कोई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, कोई ग्रैंड डायलॉग कराएं कि इलेक्शन इस तरह का हो कि सबको कबूल हो।
बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें पीपल्स पार्टी अकेली होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और पीटीआई होगी जिसमें गैर एलानिया उसके ऊपर पाबंदी है। तो आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौन आएंगे? यही आएंगे जो पीडीएम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, बाप पार्टी से लेके एमक्यूएम से लेके और ये आईपीपी और खटक साहब की पार्टी है वो, तो ये किसके साथ आप करेंगे? ये तो सारे अपने अपने हिस्से के दावेदार है और एडवांस में ऐलान कर रही है। अभी आपकी शो से पहले मैं एक शो में था, वो तो आईपीपी वाले कह रहे कि भाई हमारे 30-35 सीटें पंजाब से होंगी, राणा सरमला की 80 होंगी, राणा सरमला के नहीं हमारे 125 होंगी। आप मुझे बताओ दुनिया का कोई ऐसा इलेक्शन आपने देखा हो जो 3 महीने पहले सियासी पार्टियों को पता हो हमारी कितनी सीटें हैं? इससे बड़ी दांधली क्या, दांधला क्या हो सकता है? इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन को बार बार कहते हैं बाबा ये ड्रामा बंद कर रहे हैं, ये आप इलेक्शन शफाफ और इंसाफ और ये जितने भी डायलॉग है ये बंद करें। सर डायलॉग बाजी तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, कहें कि ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, आवाम के पैसे का ज़िया है ये। कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं, कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं डॉक्टर मारिया, जो दुनिया में 139 नंबर पर है उस सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? सर पेश तो वही हो रहे हैं ना, आप वही रोज पेश होते हैं, जिसने 90 डेज केस अलमारी में पूरा करा दिए, क्या बातें कर रही हो आप? आपको नहीं पता 30 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के, दुनिया का कोई ऐसा पाकिस्तान का मुझे एक वकील या जज बिठा दे, गोरखान साहब भी वकील है, कि जो वकील कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मैं केस जीत सकता हूं, चाहे जितने भी उसके दलाइल मजबूत हो। मेरा एक सवाल है, जो आपने बिल्कुल बात की कि इलेक्शन का मसला जो है वो इतनी देर उन्होंने जो है वो सर्दखाने में रखा, बट यू नो देयर इज अ न्यू इस वक्त लीडरशिप इन द सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको इस वक्त उधर भी जो है वो कोई उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद चीजें बदल जाए? बंदयाल साहब तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुके थे। आप मुझे बताओ ये जो बातें मैंने आपसे 1% की है, 99% तो मैं अपनी बीवी से करूं ये बातें, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं ये बात करने का। आपने दुनिया का कोई ऐसा फैसला देखा है कि खबरदार अपनी टीम में बात कर लिए, बीवी से बात करो, तो मजबूरन मुझे बीवी से बात करनी पड़ेगी, और अगर मेरी बीवी पॉलिटिकल नहीं हो तो वो बेचारी क्या जवाब देगी? आप दीवार से बात करें, दीवार से बात करें, बिल्कुल आप देखिए। अच्छा दूसरी बात आपने बताया, क्या मुझे बताओ किस असेंबली की क्या औकात है? मैं लफ्ज औकात इस्तेमाल करो, क्या हैसियत है असेंबली की जो 342 की असेंबली का ऑर्डर आर्टिकल 69 के तहत कोई अदालत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ही चपेड़ पे पूरे असेंबली की प्रोसीडिंग को मार दिया है। है कोई पूछने वाला, है कोई इंसाफ के दावेदार बोलने वाले? चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास कराया है तो इन्हें पार्लियामेंट, वो कहां गए वो सारी बातें? देखिए बात ये होता ना, ये सारी अपने मतलब के लिए सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती है और वक्त मौके पे आ जाता है तो सारे पीट गए। आप मुझे बता दो कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, क्या ये जो मैं बातें करूं इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं देता? क्या इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए हमारे जो खदशात है जो 3 महीने पहले से मैं जी बिल्कुल ठीक है, ये आपके पॉइंट सारे वैलिड है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू डिफर। जो आप कहते हैं किस इलेक्शन किस कोर्ट के सामने पेश हूँ, आप एज वकील जब एक फी चार्ज करते हैं कोर्ट्स के सामने जो है वो अपीयर होते हैं, अगेन ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीजें जो है वो जरूरी है ताकि कल को आप ये तो बता सके हमने ये चीजें की थी। और जी सब कुछ बाकी तो देखो ना, जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो अपने अपने इदारे, हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई करता है या एग्जीक्यूटिव करता है, पार्लियामेंट जो भी करे, लेकिन एक तो होनी चाहिए। जिस तरह पीएमएलएन के एक बंदा कह रहे हैं कि बात हुई है, दूसरा आ जाता है वो कि हमारे 125 जो ना यहां से सीटें मिलेगी, इस पे एक्शन लेना इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। दे मस्ट टेक नवाज शरीफ साहब ने तो ये कह दी, मैं लिख के देता हूं आपको, ये मैं लिख के देता हूं, और ये इससे ये समझते हैं कि अगर ये इंप्रेशन आज से क्रिएट करेंगे तो क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? यहाँ पे मसला यही है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक छतरी के नीचे आकर जिधर जिधर जिसके भी है, गो के इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाता है, बट आई एम श्योर अगर दावत दी जाए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि ये ग्रैंड डायलॉग हो रहा है, आप आए सब आए, तो अलीविएट ही होंगे ना आपके कंसर्न्स जो हैं, या एक जगह जाके बात तो हो सकेगी कम से कम। देखिए इनको जिस तरीके से नवाजा कि आप ये कभी ग्रैंड डायलॉग पे नहीं आएंगे, इनकी तैयारी भी नहीं है, इनके मैनिफेस्टो भी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। मैनिफेस्टो में इस मुल्क में क्या होता है, किसी का मैनिफेस्टो नहीं है। स्लीज की जो एलिगेशन थे, जिस तरीके से स्लीज के एलिगेशंस के अंदर ये जा रहे, क्रेडिबिलिटी देखे, इन्फ्लेशन इनका देखे और इनकी 16 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखे, और अगर परफॉर्मेंस नहीं भी थी, टफ हालात थे, तो इनकी ऑस्टेरिटी प्लान देखे, खर्चे इनकी बहुत ज्यादा थी, सबसे बड़ा जो कैबिनेट है ये इन्हीं का था, तो इन्होंने तो कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेके जा रहे। अब एक बात जरूर है, अगर इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर टू दिस एक्सटेंट कि लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया, लोगों को वोट डालने से नहीं रोका गया, तो ये सारे रास्ते इनके जितने तरीकेकार के, इसके बावजूद अवाम इनको शिकस्त देंगे, हर सूरत ये शिकस्त खाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर लोगों को वोट डालने से न रोका गया। और अगर लोगों को वोट डालने से रोका गया तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, मुल्क की तबाही होगी, जमहूरियत की तबाही होगी, जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फेर एनाफ। अच्छा अली साहब, आप पता नहीं कुछ बलोचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, जरा कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? अर्ज कर रहा हूं
के अभी ये गौहर खान साहब बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो हमें ये भी इधर डेफिनेशन, जिस तरह से आप कह रही थी कि धांधली की बात हो रही है चीजों की, हमें सियासी पार्टी की डेफिनेशन भी क्लियर करना होगी। क्या वो पार्टी जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए, पाकिस्तान में जलाओ घराव किया, जहां जहां एमएम आलम के जानों को आग लगाई गई, जहां पर जो शहदा थे उनके मुजस्मों को ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनकी यादगारों को आग लगाई गई, लोगों के जिंदगी अजीरन करने वाली पार्टी जो है, क्या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक ही डेफिनेशन रखे ना? जब फारूक हबीब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो वो तो धुल जाता है, मुराद रॉस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है धुल जाते हैं, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक ही डेफिनेशन रखे, आपकी डेफिनेशन तो बदल जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो दो, नहीं एक मिनट बात करने देना, आप गुजारिश सुने, अगर ये हकीकत तल्ख है लेकिन आप बर्दाश्त भी करें बात को। बात यह है कि जिन लोगों ने जो है वो 9 मई के वाकयात किए, आपने देखा कि जब उनको कैफरे किरदार तक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बात नहीं मुकम्मल होने दे रही, प्लीज जरा मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 9 मई के वाकयात हुए, उससे पहले 2018 के इलेक्शन हुए थे, 2018 के इलेक्शन से हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ कर नैब के जरिए केसेस बनाकर कुछ लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, कुछ लोगों को पीटीआई के टिकट दिलवाए जा रहे थे, और आज आप देख लें कि जो इनकी पार्टी को छोड़कर आए हैं या जिन्होंने उस पार्टी से लातलकी का इजहार किया है, वो हमारी पार्टी में नहीं आए, वो आज वो तरीके से काम में आए हैं। हम भी ये कहते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए, उन लोगों को कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। ये इस तरह से बात नहीं बनेगी कि वो सिर्फ आकर, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बताएं कि कौन सा आपने आप तो पहले कहते थे कि मुराद रॉस है, बाकी लोग हैं उनके खिलाफ, हमारे पास बहुत एविडेंस है, ये लोग सारे इन्वॉल्व थे, आपकी हुकूमत रही ना 16 महीने, कौन से केसेस आपने बनाए? देखे बात ये है कि बिल्कुल ये लोग, ये इदारों का काम है इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो बिल्कुल चेक करें, जो लोग 9 मई के वाकयात में, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये तौजीह मैं दूं ना तो चलता है, मेरे पास हुकूमत नहीं थी, मेरे अंडर एफआईआर नहीं था, मेरे अंडर जो है वो पुलिस नहीं थी, मैं कहूं कि वो करना चाहिए, आप तो हुकूमत में थे। अभी अभी तो मामला वाइंड अप नहीं हुए हैं, अभी तो वो तमाम सिलसिला जारी है। 3 महीने पहले मैं तो इसलिए मैंने बाकियों का, मैंने जो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनका जिक्र नहीं किया, जो इनकी पार्टी के लोग जो हैं, जिन्होंने बयान दिए हैं, सदाकत अब्बासी है, दार है, मास्टर माइंड, और सरगुना तो खुद चेयरमैन पीटीआई है, बताते खुद है उस पार्टी को, आप उस पार्टी का, हाँ पीपल्स पार्टी कोई तहफात का इजहार करें, हम बात सुनने के लिए भी तैयार है, बात करने के लिए भी तैयार है, जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है और दहशतगर्दी कर रही है, आप उनका कंपैरिजन किसी सियासी पार्टी के साथ हरगिज तौर पर नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान मैं एक सराह की तरफ आती हूँ, हमारे मुल्क में ना एक तो डेफिनेशंस बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, वो गलत था ये भी गलत है, पलड़े बराबर तो नहीं करने ना, यही तो तब मुल्क नहीं आगे चलेगा। ये हमेशा से डील करते हैं, पहले भी डील करते रहे, अभी भी डील करते रहे, डील करके भी आ रहे, डील से ये डील करके ना वो ले रहे हैं अभी, ये हमें हुकूमत ला करके दे दे, पहले तो डीले करते थे, और अभी इनकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम जो है ना इलेक्शन न लड़ सके, अगर इनकी यही कोशिश है कि लोगों को देखे, जब भी इनको इजाजत दीजिए ना जरा पैसे आपको इजाजत दीजिए प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर अगर इनसे इनसे पूछो तो ये पूरी टीम को नहीं लेने देते, सदाकत अब्बासी अगर कोई कहता है तो देखिए जिन बंदे को आप घर से उठाए और वहां से उठा के जाए, उनकी फैमिली अदालतों में जाए, अदालतों में वो एक महीने नहीं निकल आते और एक महीने के बाद वो आकर के स्टेटमेंट दे देते, और उनकी स्टेटमेंट क्या है कि जो फलाना बंदा जो है ना वो 9 मई में इन्वॉल्व है, अब इनको कोई और मिल नहीं रहा कुछ, और इनकी परफॉर्मेंस का यही हाल है, तो दैट्स द ओनली लास्ट पॉइंट दे विल कम अप विद दिस, यही उनका डील का नतीजा है कि जी इनको बताया गया और यही वो खुलेआम अभी कह रहे हैं। आपने देखा कि जब डॉक्टर मारिया ने कहा कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल ने कहा कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट जो दुनिया में 149 नंबर पर है। इसी बात को लेकर पीटीआई के बैरिस्टर गौर अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए और पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया गया तो अवाम बहुत बुरी तरह नून लीग को शिकस्त देंगे। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।